गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है डीएक्सएन की पाठशाला में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट उत्तम श्रीवास्तव एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ डीएक्सएन की पाठशाला के 27वें एपिसोड को लेकर। जैसा कि आपको पता है, पाठशाला का मतलब है एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक विषय संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है। आज इसी कड़ी में हमारे बीच में राजस्थान के बीकानेर शहर से डॉक्टर भावना सोनी, जो एक डेंटल सर्जन है, वो हमारे साथ उपस्थित है और उनका बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक आज लेकर आई है जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और वो बोलते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे मुंह से संबंधित जितनी भी हमारी और प्रॉब्लम्स होती है उसको, उसके बारे में बताएंगे, उनका सॉल्यूशंस बताएंगे और हमारी ओरल हाइजीन के बारे में बताएंगे, कैसे हम अपने दांतों को स्वस्थ रखें, दांतों के साथ मसूड़ों को क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करें डीएक्सएन के, जिनसे हम स्वस्थ रह सके। ऐसी बहुत सारी जो आपको मैं बोलूँ मेडिकल टर्म से रिलेटेड आज आपको इस एपिसोड के माध्यम से वो सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। किस तरह हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, किस तरह इनको सॉल्व किया जाए, किस तरह हम उनकी देखभाल करें, क्योंकि दांतों की जो समस्या है ये बहुत ही भयंकर समस्या होती है और इससे काफ़ी सारे क्रिटिकल डिजीज भी इन फ्यूचर हो जाती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग उत्तम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी मैम, हमारे बीच में एक डेंटल सर्जन है, बहुत ही कीमती समय होता है मैडम का, जिसमें से इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू उत्तम जी। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे ही हमारे दिमाग में ओरल हाइजीन की बात आती है या ओरल हेल्थ की बात आती है, तो हमारे दिमाग में यही एक जो फोटो है वो उभर के आती है कि टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। तो इसके बारे में पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे जरूरी है टूथब्रश और टूथपेस्ट चुनते समय आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ आज का मेरा प्रेजेंटेशन है, प्लस डीएक्सएन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं जिससे हमारा जो हेल्थ है, ओरल हाइजीन है, वो अच्छा बना रहे। तो इससे पहले जाने, टूथ ब्रश और टूथपेस्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा हम टूथ स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि हमारा दांत की जो बनावट है वो किस तरह की रहती है। दांत के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो पोर्शन रहते हैं, क्राउन और रूट। जो भी हमारे ओरल कैविटी में, मुंह के अंदर जो भी दांत हमें दिखते हैं उनको क्राउन बोला जाता है, और जो जड़ भाग है, रूट पोर्शन दांत का होता है, वो अंदर की तरफ हमारे मसूड़ों के नीचे की तरफ हड्डी में धंसा हुआ रहता है, जो कि दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है दांत की, वो इनेमल होती है, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो होता है वो हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसको कि इनेमल बोलते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद आता है इनेमल के नीचे की सतह जो दांत की होती है, उसको डेंटिन बोला जाता है, जिसमें थोड़े बहुत नर्व सेंसेशन होते हैं, यानी कि अगर जैसे हमें झंझनाहट की जो दिक्कतें आती है वो तब आती है जब हमारे कोई भी कीड़ा या कैविटी डेंटिन तक पहुँच जाती है। तीसरी जो सबसे अंदर की जो लेयर है दांत की, उसको हम बोलते हैं पल्प। पल्प जो है मुख्य रूप से यहाँ पे ब्लड सप्लाई, दांत को जो खून पहुँचता है, और नसों की सप्लाई, वो पल्प के द्वारा ही पूरे दांत को पोषण मिलता है। एक तरह से ये अपन कह सकते हैं कि पल्प के द्वारा पूरे दांत को पोषण मिलता है। इसके अलावा जो सीमेंटम, नीचे के जो सारे पार्ट्स हैं, सीमेंटम, पेरियोडोंटल लिगामेंट, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये दांत को हमारी हड्डी से जोड़े रखते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे दांत का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम टूथपेस्ट की बात करें कि एक अच्छे टूथपेस्ट की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग आजकल इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी मार्केट में ऐसे ब्रांड आ रहे हैं जिन पे जो ये सोडियम लॉरल सल्फेट है, ये साफ तौर पर लिखा होता है पीछे, पर फिर भी जाने अनजाने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपने टूथपेस्ट में, जबकि ये एक सिंथेटिक डिटर्जेंट का काम करता है। ये एक तरह का टॉक्सिन है जो हमारे टूथपेस्ट में पाया जाता है, इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हमारा टूथपेस्ट जो है वो सल्फेट फ्री, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया है, सल्फेट फ्री होना चाहिए।
इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट और सोडियम लॉरेट सल्फेट दोनों ही नहीं होने चाहिए। अब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं SLS SLS के बीच में। मैं बताऊं कि सोडियम लॉरेल सल्फेट, इसका शॉर्ट फॉर्म भी SLS रहता है, और सोडियम लॉरेल सार्कोजिनेट, इसका शॉर्ट फॉर्म भी SLS रहता है। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है ये टॉक्सिक है, जबकि सोडियम लॉरेल सार्कोजिनेट ये नॉन टॉक्सिक है। सोडियम लॉरेल सल्फेट पॉइजन है, कैंसर कॉज कर सकता है, अल्सर कर सकता है, जबकि सोडियम लॉरेल सार्कोजिनेट ये ग्रीन केमिकल है। ग्रीन केमिकल मतलब जो बिल्कुल सेफ है, ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बिल्कुल सेफ है, और ये एक्सेलेंट अल्टरनेटिव है सोडियम लॉरेल सल्फेट का। तो ये आजकल हम जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी देखते हैं तो लोग ये देखते हैं उसमें पीछे पहले कि इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS और पैराबिन तो नहीं है, SLS और पैराबिन फ्री होने चाहिए। मेरी आवाज़ क्लियर है उत्तम जी? यस मैम। हेलो। हाँ मैम, आ रहा है आपका आवाज। ठीक ठीक ओके। तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लोग यूज करते हैं उससे पहले ये देखते हैं कि इसमें कहीं SLS या पैराबेन तो नहीं है। तो जब हम स्किन पे जो लगा रहे हैं उसको लेके हम इतने सतर्क हैं, तो जो हम चीज मुंह में यूज कर रहे हैं, जो हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आप पीछे देखिए कि कहीं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट तो नहीं है, क्योंकि वो टॉक्सिक है, वो एक जहर है। उसके बाद क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे टूथपेस्ट में, उसमें मिनिमम एब्रेसिव होने चाहिए। एब्रेसिव क्या होते हैं? एब्रेसिव आर पार्टिकल्स दैट हेल्प टू रिमूव प्लाक फ्रॉम टिप व्हेन वी ब्रश। दांत से जो भी प्लाक होता है, प्लाक क्या है सिंपल तौर पे हम बोले तो, जो भी फूड और सलाइवा मिलके जो एक लेयर बनाता है दांतों के ऊपर, उसको हम प्लाक बोलते हैं। तो एब्रेसिव ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि टूथपेस्ट में प्रेजेंट होते हैं और जो प्लाक को रिमूव करते हैं। और एब्रेसिव्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ टूथपेस्ट। ज़्यादातर टूथपेस्ट का कंपोनेंट बना होता है एब्रेसिव से। इसके एग्जांपल्स हैं, अगर आप टूथपेस्ट के पीछे देखेंगे तो लिखा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, जिरकोनियम सिलिकेट, ये सारे एब्रेसिव्स हैं। अब एक अच्छी टूथपेस्ट में एक या दो से ज़्यादा एब्रेसिव नहीं होने चाहिए। अ गुड टूथपेस्ट शुड ओनली कंटेन वन और टू एब्रेसिव। सिर्फ एक और दो एब्रेसिव होने चाहिए, क्योंकि अगर इनसे ज़्यादा एब्रेसिव होंगे तो हमारे जो दांत के ऊपर की सतह है, जो अभी हमने डायग्राम में देखी है, जो इनेमल है सबसे ऊपर का सतह, वो डैमेज हो जाएगी। वो डैमेज होते ही डेंटिन तक हमारा सेंसेशन पहुंच जाएगा और हमारे दांतों में झंझनाहट होने लगेगी। तो अच्छे टूथपेस्ट में सिर्फ एक या दो एब्रेसिव से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो एक अच्छा टूथपेस्ट ऐसा होना चाहिए दैट शुड प्रोड्यूस मोर सलाइवा इन माउथ। सलाइवा क्यों ज़रूरी है? लार जो हमारे मुंह में बनती है वो क्यों ज़रूरी है? सलाइवा के बहुत से फंक्शंस हैं और बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ओरल टिश्यू। जो हमारे ओरल टिश्यूज हैं, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जैसे कि गाल है, जीभ है, होंठ के अंदरूनी भाग है, उसको सलाइवा नमी बनाए रखता है उस चीज़ को, उनको सूखने नहीं देता। लुब्रिकेटिंग द ओरल कैविटी फॉर स्वेलोइंग एंड स्पीच। हमारी जो ओरल कैविटी है उसको लुब्रिकेशन, एक ग्रीस की तरह उसका काम करता है, जिससे कि हम अच्छे से बोल सकें और जो भी हम खाना चबा रहे हैं उसको अच्छे से निगल सकें। इसमें भी सलाइवा का बहुत बड़ा रोल है। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सलाइवा का, वो बहुत ज़रूरी है कि वो एक एल्कलाइन pH हमारे मुंह में बना के रखता है। एल्कलाइन pH मुंह के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुंह की pH एसिडिक हो जाएगी तो हमारे दांतों का लीच आउट, जो हमारे दांतों में मिनरल्स हैं, वो धीरे धीरे, हम बोलते हैं, कोई कोई जना बोलते हैं कि हमारे दांत खिर रहे हैं, है ना, टूट टूट के गिर रहे हैं, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो मुंह की pH है वो एसिडिक हो जाती है। तो एल्कलाइन pH बनाने में सलाइवा का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह वो दांतों के मिनरल्स को, कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोराइड्स को बनाए रखता है।
नेक्स्ट हम जाते हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं सलाइवा के, वो क्लियरिंग मटेरियल फ्रॉम द ओरल कैविटी दस हेल्प टू प्रिवेंट टूथ डीके, एक फ्लश आउट, एक पानी की तरह काम करता है। जैसे हम कभी फ्रेश होने टॉयलेट जाते हैं तो हम फ्लश करते हैं, फ्लश आउट करते हैं, तो सलाइवा का मुंह में वही रोल है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एक फ्लशिंग मैकेनिज्म के थ्रू सलाइवा एक पानी की तरह जो भी हमारा फूड है उसको धोता है, दांतों की सतह से हटाता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिंग बाय द एक्शन ऑफ अमाइलेज एंड लाइपेज, जो हमारा खाना है उसका डाइजेशन हम सब जानते हैं मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, इसमें मेजर रोल आता है सलाइवा का। उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं मुंह से ही, इसलिए बोलते हैं कि खाना बहुत ही चबा चबा के खाना चाहिए ताकि डाइजेशन जो है वो हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाए। अब टूथपेस्ट में सलाइवा कौन कौन सी चीजें बढ़ाती है, तो कंटेंट्स लाइक ज़ाइलिटॉल एंड मेंथॉल प्रेजेंट इन टूथपेस्ट हेल्प इंक्रीज सलाइवरी फ्लो इन माउथ। टूथपेस्ट में आप पीछे ज़रूर देखिएगा अगर उसमें ज़ाइलिटॉल है, मेंथॉल है, तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं टूथपेस्ट में ये हमारे सलाइवरी फ्लो को बढ़ाते हैं। और सलाइवा के फंक्शन हमने देख ही लिए कि सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि ज़ाइलिटॉल, ज़ाइलिटॉल आप लोग समझिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूथपेस्ट में। Xylitol is like an unsung hero in the dental world. मतलब unsung hero है ये, मतलब इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है, ये चुपचाप अपना काम करता है, इसको अभी तक हीरो बनने का मौका नहीं मिला है। पर हम डेंटिस्ट की दुनिया में अगर देखें तो Xylitol का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे टूथपेस्ट में। Apart from used as an artificial sweetener, it has much more important role in our toothpaste. Xylitol as an artificial sweetener use होता है, थोड़ी बहुत मिठास present ये present करता है toothpaste में। उसके अलावा भी इसके बहुत से important role हैं। इस चीज़ के लिए, इसको समझने के लिए, Xylitol का role समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो हमारे मुँह में cavity होती है, खड्डे हो जाते हैं, कैविटी क्या है, कोई भी एक खड्डा, कोई भी एक डिच जो भी हमारे दांत में है वो किस कारण हुई है, उसका क्या कारण है, व्हाट कॉजेस कैविटीज। तो डेंटल डी के प्रोसेस अगर हम देखें, दांत के सड़ने का जो प्रोसेस है उसको अगर हम देखें, तो सबसे पहले बैक्टीरिया और जर्म्स हमारे मुंह के अंदर, दोनों तरह के बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरिया भी हैं, बैड बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है। जब उन बैक्टीरिया कंबाइन करते हैं हमारे खाने के साथ, फूड, ड्रिंक, शुगर, स्वीट्स जो भी हम खाते हैं उसके साथ जब वो कंबाइन करते हैं तो दे प्रोड्यूस एसिड। उनका जो बाय प्रोडक्ट है बैक्टीरिया का वो है एसिड, बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारा मुंह एसिडिक हो गया, बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया, तो हेल्दी टूथ उस एसिड से मिलेगा और बनेगी कैविटी। एसिड गला देता है, एसिड का रोल क्या है, तेजाब का रोल क्या है, गलाना, जला देना। तो ये एसिड जैसे ही दांत के साथ मिला इसने किया कैविटेशन, इसने बनाई कैविटी। खाली ये एसिड जो हुआ, दांत प्लस एसिड इक्वल्स टू कैविटी, तो ये एसिड खाली हमारे खाने से ही नहीं होता है, जो हमारा एसिडिक पीएच है मुंह का सिर्फ हमारे खाने से ही नहीं होता है, इसके बहुत से कारण हैं, जैसा कि है इम्प्रॉपर और लैक ऑफ टूथब्रश। अगर आप प्रॉपरली टूथब्रश नहीं करते, कम करते हैं, आपकी टेक्निक सही नहीं है, तो भी आपको कैविटी हो जाएगी। अगर आप बहुत अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो भी आपका चांस है कि आपके कैविटी हो जाएगी। नेक्स्ट है कंज्यूमिंग मोर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी आपके कैविटी होने के चांसेस हैं। मोर ऑफ शुगरी फूड एंड शुगरी ड्रिंक्स, अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, मीठे खाना, मीठी ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी आपके कैविटी के चांसेस ज़्यादा हैं। लैक ऑफ सलाइवा इन माउथ, अगर सलाइवा कम है मुँह के अंदर
वो किसी भी कारण हो सकता है, लाइक सम मेडिसिंस हो सकती हैं जो कि बीपी की मेडिसिंस होती हैं, मसल रिलैक्सेंट होती हैं, नीम की दवाइयाँ होती हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन की दवाइयाँ होती है, उसकी वजह से सलाइवा कम हो सकता है। सिस्टमिक डिजीजेज होते हैं जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, इसकी वजह से हमारा मुंह सूखा रह सकता है। मुंह जब सूखा रहेगा तो कैविटी के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि सलाइवा नहीं है वॉश करने के लिए, सलाइवा नहीं है तो मुंह सूखा रहेगा और हमारे कैविटीज होंगे। नेक्स्ट है एसिड रिफ्लक्स और GERDs। इसमें क्या होता है, जिनके एसिड रिफ्लक्स यानी कि खाना ऊपर आता है, चेस्ट में जलन, छाती में जलन, गले में जलन, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, तो ये सब जिनके होता है उनके भी मुंह का पीएच जो है वो एसिडिक रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ज़ाइलिटोल और फ्लोराइड इन योर टूथपेस्ट। ज़ाइलिटोल और फ्लोराइड अगर दोनों में से एक भी चीज़ आपके टूथपेस्ट में नहीं है तो आपका मुंह जो है वो एसिडिक रहेगा। एसिडिक मुंह जैसे ही होगा कैविटी के चांसेस हमेशा इंक्रीज होंगे। अब हमने बात करी थी कि कैविटी कैसे होती है, कैविटी के क्या क्या कारण हैं, एसिडिक पीएच के क्या क्या कारण हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ज़ाइलिटोल इन आर टूथपेस्ट। अब ज़ाइलिटोल क्या क्या करता है, जो ये हीरो है जिसकी बात ज़्यादा नहीं की जाती, ज़ाइलिटोल ये क्या क्या करता है। ज़ाइलिटोल इनहिबिट्स प्लाक फॉर्मेशन। प्लाक क्या होता है, प्लाक इज अ लेयर ऑफ फूड एंड सलाइवा फॉर्मड ऑन टीथ विच इज देन इन्वेडेड बाय बैक्टीरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लाक है जो येल्लो कलर का दिख रहा है लाइट, ये प्लाक है। प्लाक कैसे बनता है, सलाइवा और खाना ये दोनों मिक्स करके होकर एक लेयर बना देते हैं दांत के चारों तरफ, और उसके बाद इसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज बस जाती है। तो इस फॉर्मेशन को, इस प्लाक फॉर्मेशन को ज़ाइलिटोल खत्म करता है। ज़ाइलिटोल इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ सलाइवा इन माउथ, ये सलाइवा का फ्लो बढ़ाता है माउथ में। ज़ाइलिटोल करेक्ट्स द पीएच ऑफ माउथ, दस फेवर्स रीमिनरलाइजेशन। ज़ाइलिटोल माउथ के पीएच को एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है। एल्कलाइन जैसे ही पीएच होता है तो हमारा जो रीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस है, दांत में जो कैल्शियम फॉस्फोरस ये और डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ज़ाइलिटोल रिड्यूसेस कैविटीज, जैसे ही रीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ज़ाइलिटोल जो होता है कैविटी को ख़त्म करने में, उसको कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, टूथपेस्ट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे, कि इट शुड नॉट कंटेन सैक्रीन। सैक्रीन बहुत ही खतरनाक केमिकल मान लीजिए कहा जाता है, क्योंकि हम जब छोटे थे तो वो हम एक ऑरेंज कैंडी खाया करते थे, है ना उत्तम जी? यस मैम, यस मैम। एक ऑरेंज कैंडी खाया करते थे और हमारे मदर फादर मना किया करते थे कि इसमें सैक्रीन है, ये मत खाओ। तो सैक्रीन एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, हार्मफुल स्वीटनिंग एजेंट है। सैक्रीन क्या है, पेट्रोलियम बेस्ड शुगर सब्स्टिट्यूट। इट इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, डाइट फूड एंड पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स सच एज लिप बाम एंड टूथपेस्ट। तो ये एक पेट्रोलियम बेस्ड शुगर है। अभी आप सोचिए कि आप पेट्रोलियम बेस्ड शुगर को आप मुंह में लेंगे तो इट इज़ नॉट गुड। सैक्रीन इज यूज्ड एज एन स्वीटनिंग एजेंट, लेकिन सैक्रीन को यूज नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड इन US, सैक्रीन कॉज्ड ब्लैडर कैंसर इन रैट्स। ये एक स्टडी कंडक्ट हुई थी US में जिसमें पाया गया कि रैट्स में ये ब्लैडर कैंसर कॉज कर देता है। इट इज 300 to 400 times मोर स्वीट दैन शुगर। चीनी से भी 300 to 400 गुना मीठा होता है सैक्रीन। इट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसका कोई भी पोषक तत्व नहीं है, इसमें कोई भी पोषण नहीं है, कुछ भी उसमें न्यूट्रिशन का नहीं है। चीप ऑल्टरनेटिव फॉर स्वीटनिंग एजेंट। अदर जो स्वीटनिंग एजेंट है, जैसे ज़ाइलिटोल भी यूज होता है एज ए स्वीटनिंग एजेंट, लेकिन सस्ते के चक्कर में वो लोग क्या डालते हैं टूथपेस्ट में, सैक्रीन, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, सस्ता मीठा एजेंट है। एडेड ओनली फॉर टेस्ट, ये सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड किया जाता है। तो ज़ाइलिटोल एंड सॉर्बिटोल आर यूज्ड एज अ गुड अल्टरनेटिव टू सैक्रीन स्वीटनिंग एजेंट। तो सैक्रीन हमारे पेस्ट में नहीं होना चाहिए, इसके बदले में आप ज़ाइलिटोल ले लीजिए, सॉर्बिटोल ले लीजिए, वो बहुत ही अच्छे ऑल्टरनेटिव है स्वीटनिंग एजेंट।
नेक्स्ट है ट्राइक्लोजन, ये एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है जो ज्यादातर पेस्ट में पाया जाता है, ट्राइक्लोजन भी नहीं होना चाहिए टूथपेस्ट में। आईआईटी हैदराबाद बायो रिसर्च रिवील न्यूरोटॉक्सिक नेचर ऑफ ट्राइक्लोजन एंटी माइक्रोबियल केमिकल यूज्ड इन सोप्स एंड डेंटल केयर प्रोडक्ट्स। आईआईटी हैदराबाद की ये रिपोर्ट है कि ट्राइक्लोजन जो कि हमारे सोप्स और डेंटल केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है वो स्मॉल क्वांटिटीज में भी न्यूरोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्सिन का काम करता है, हमारी नर्व्स के लिए जहर का काम करता है। द स्टडी रिवील्स दैट ट्राइक्लोजन इन माइन्यूट अमाउंट कैन नॉट ओनली अफेक्ट द जीन्स एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन न्यूरो ट्रांसमिशन बट इट कैन ऑल्सो डैमेज द न्यूरॉन्स, यानी कि हमारे नर्व सेल्स जो हैं उसको तक डैमेज कर देता है ट्राइक्लोजन। तो ट्राइक्लोजन भी हमारे टूथपेस्ट पे नहीं होना चाहिए। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए टूथपेस्ट में? शुड बी स्मूथ, वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना ज़्यादा हमारा इनेमल जो सबसे बाहरी सतह है दांत की वो हमारे बची रहेगी, वो घिसेगी नहीं। नेक्स्ट आता है शुड कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड इन टूथपेस्ट हेल्प इन रीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ, डज इट हेल्प टू प्रिवेंट टूथ डीके और कैविटीज। कई टूथपेस्ट में जिनमें फ्लोराइड नहीं होता उसमें वही काम ज़ाइलिटॉल भी करता है, तो फ्लोराइड भी है अगर टूथपेस्ट में तो वो भी वही काम करता है जो ज़ाइलिटॉल करता है। ज़ाइलिटॉल का काम है रीमिनरलाइजेशन, मेंटेनिंग द पीएच, तो वही काम फ्लोराइड भी करता है, वो भी रीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ में हेल्प करता है। शुड रिफ्रेश द माउथ, अ गुड टूथपेस्ट शुड रिमूव बैड ब्रेथ इन माउथ। जो भी हमारे मुंह में गंदी बदबू आती है, जो भी बैड ब्रेथ की शिकायत है उसको, उस टूथपेस्ट को दूर करना होता है। इंग्रेडिएंट्स लाइक मेंथोल मिंट एक्सेट्रा हेल्प इन रिमूविंग बैड ब्रेथ। जो भी मुंह की बदबू की समस्या होती है उसमें मेंथोल और मिंट ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो ये इंग्रेडिएंट्स अगर आपके टूथपेस्ट में है तो वो आपको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग देंगे और ताज़ा एहसास, तरोताज़ा एहसास देंगे। अभी फॉलोइंग आर ऑल द टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन टूथपेस्ट। अभी हमने सारी चीज़ों की बात करी कि क्या क्या चीज़ें टूथपेस्ट में नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी जो है टॉक्सिन्स हैं। सोडियम लॉरेथ सल्फेट नहीं होना चाहिए, सोडियम लॉरेथ सल्फेट नहीं होना चाहिए, सैक्रीन नहीं होना चाहिए, निकोटीन, निकोटीन एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड कंटेंट है कहीं पुराने आयुर्वेदिक हम बोले जिनको टूथपेस्ट में, तंबाकू जिसको बोलते हैं, तो निकोटीन की लत लग जाती है। निकोटीन जहर है, थोड़ी मात्रा में अगर लगातार जाएगा तो वो कैंसर भी कॉज कर देता है, तो निकोटीन भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है पैराबेन एंड ट्राइक्लोजन। पैराबेन एंड ट्राइक्लोजन का दोनों मैंने बता दिया, ये भी हार्मफुल है, टॉक्सिन्स है, नहीं होने चाहिए टूथपेस्ट में। आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स, कोई भी एडिटिव कलर्स टूथपेस्ट में या कोई भी फ्रेग्रेंस, कुछ भी तरह की खुशबू या किसी भी तरह का आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये भी नहीं होना चाहिए टूथपेस्ट में। तो ये सारी जो है टॉक्सिन्स टूथपेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे डीएक्सएन में? हमारे पास इस चीज़ का बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है, वो है डीएक्सएन गेनोजी प्लस टूथपेस्ट। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इज द स्पेशलिटी ऑफ आर टूथपेस्ट। गेनोजी प्लस टूथपेस्ट की स्पेशलिटी है कि ये टोटली नेचुरल है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। इसमें गैनोडर्मा है जिसको हम सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी आज जान जाएं कि एक मेडिसिनल मशरूम है और किंग ऑफ हर्ब्स है, यानी जड़ी बूटियों का राजा है। काफ़ी सारे टूथपेस्ट आ रहे हैं मार्केट में जिनमें बहुत तरह के हर्ब्स आजकल आने लग गई हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें लोग ऐड कर रहे हैं, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, सब कुछ ऐड किया जाता है, पर मशरूम जो है ये किंग ऑफ हर्ब्स है, ये सब जड़ी बूटियों का राजा है। गैनोडर्मा सेल पे काम करता है, ये मशरूम सेल पे काम करता है, और सेल हर जगह, चाहे वो हमारी ओरल कैविटी में, चाहे वो दांत हो, चाहे वो जीभ हो, चाहे वो गाल हो, चाहे वो मसूड़े हो,
सेल सब जगह है, तो गैनोडर्मा कंटेनिंग टूथपेस्ट आपके पूरे मुंह पे काम करेगा। नेक्स्ट है ज़ाइलिटॉल, है इसमें प्रिवेंट्स टूथ डीके एंड इंक्रीजेस सलाइवरी फ्लो। ज़ाइलिटॉल का काम क्या है, ये टूथ डीके को प्रिवेंट करता है और सलाइवरी फ्लो, सलाइवा का जो फ्लो है वो भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है कंटेन्स मेंथॉल विच प्रिवेंट्स बैड ब्रेथ एंड ऑल्सो इंक्रीजेस सलाइवरी फ्लो। मेंथॉल जो है आपको रिफ्रेशिंग फीलिंग देगा और ये भी सलाइवरी फ्लो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है कंटेन सोडियम लुरॉयल सार्कोजिनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सोडियम लुरॉयल सार्कोजिनेट है, सोडियम लॉरल सल्फेट नहीं है। तो सोडियम लुरॉयल सार्कोजिनेट नॉन टॉक्सिक क्लींजर है, ये ग्रीन केमिकल है और एक फोम बूस्टर है, एक झाग देता है। आप जब भी अपने दांतों को साफ करेंगे तो ये एक झाग देगा आपके टूथपेस्ट को। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या नहीं है, इसमें SLS नहीं है और SLES नहीं है, सोडियम लॉरेट सल्फेट एंड सोडियम लॉरेट सल्फेट इसमें नहीं है। इसमें पैराबेन नहीं है, इसमें सैकरिन नहीं है, इसमें ट्राइक्लोजन नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट नहीं है, इसमें नो फ्लोराइड, सो एक्सट्रीमली सेफ फॉर चिल्ड्रन। बाजार के जितने भी टूथपेस्ट आएंगे उसमें आप पीछे प्रिकॉशन देखेंगे, डू नॉट स्वेलो या कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स या बिलो 4 ईयर्स बिलो 8 ईयर्स, यानी बच्चों की पहुंच से उसको दूर रखना है। लेकिन हमारा जो गैनोजी प्लस टूथपेस्ट है इसमें फ्लोराइड नहीं होने के कारण अगर बच्चा इसको इंजेस्ट भी कर जाता है, अगर इसको निगल भी जाता है थोड़ा सा, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। इसलिए ये एक्सट्रीमली सेफ है बच्चों के लिए। और हमारे भी जो पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो पीडो पेशेंट्स हो, बच्चे पेशेंट्स हो, हम उनको ये टूथपेस्ट आराम से रिकमेंड करते हैं। तो ये टूथपेस्ट की बात हुई सारी, उसके बाद हम टूथब्रश पे आते हैं। टूथब्रश को लोग काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है। टूथब्रश और टूथब्रशिंग टेक्निक दोनों को लोग काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं, हमको ये लगता है कि भाई सारा काम तो टूथपेस्ट ही कर देगा, चाहे अब हम उसको कैसे भी करें, कहाँ पे भी लगाएं, किसी दांत को छोड़ें, किसी दांत पे लगाएं, लेकिन सारा काम वो कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजर रोल इन टूथ क्लीनिंग इज ऑफ टूथब्रश। ज़्यादातर काम जो होता है दांत की सफाई का वो टूथब्रश ही करता है। तो टूथब्रश को चुनते समय ये थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ टूथब्रश। टूथब्रश के क्या क्या पार्ट हैं, तीन मुख्य पार्ट हैं। हेड है उसका, शैंक है, शैंक मतलब नेक जो गर्दन आती है। थर्ड है हैंडल, हैंडल जिससे कि हम उसको पकड़ते हैं। ये मुख्य तीन पार्ट हैं। उसके बाद एक ब्रशिंग प्लेन होता है, उसकी हील और टो होती है। हेड की जो होती है एक विड्थ होती है और एक प्रॉपर लेंथ होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइज के बारे में, हम देखेंगे साइज के बारे में। इसमें देखिए द शेप ऑफ द हेड ऑफ द टूथब्रश डज नॉट मैटर। अलग अलग शेप्स देख सकते हैं आप स्क्रीन पे हेड के। सबसे पहला जो पिंक वाला है वो कुछ ओब्लॉन्ग तरीके का है, फिर ओवल शेप है, फिर ये कुछ ट्राइंगल्स शेप में है, नेक्स्ट कुछ रेक्टेंगल है, कुछ स्क्वायर क्यूबॉइड शेप में है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं हेड पार्ट के, लेकिन ये शेप ज़्यादा मैटर नहीं करता है। द साइज ऑफ द हेड डज मैटर। मैटर क्या करता है कि टूथ ब्रश के हेड जो पोर्शन है उसका साइज क्या है ना, उसका साइज क्या है। स्मॉल हेडेड टूथ ब्रश आर आइडियल बिकॉज दे रीच ऑल द एरियाज ऑफ माउथ इजली। जो स्मॉल हेडेड टूथब्रश होते हैं जिनका सर हेड स्मॉल होता है वो प्रिफर किए जाते हैं ताकि वो इजीली हर पार्ट में, मुंह के हर पार्ट में पहुंच जाए। नेक्स्ट है फॉर एडल्ट्स अ टूथब्रश विथ अ हाफ इंच वाइड एंड 1 इंच टॉल हेड वुड बी मोस्ट एफिशिएंट। यानी जो हेड होता है एडल्ट्स के लिए उसकी विड्थ ये हाफ इंच होनी चाहिए और जो लेंथ होती है हेड की वो 1 इंच के करीब बहुत है, वो सफिशिएंट है।
नेक्स्ट आते हैं ब्रिसल्स, तो ब्रश होते हैं जो फाइबर होते हैं टूथब्रश में. अकॉर्डिंग टू अ डेंटिस्ट अ सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिमूविंग प्लाक. प्लाक को हटाने में डेंटिस्ट की सुझाव से, मेरे सुझाव से एक सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश बिल्कुल सही है, मोस्ट इफेक्टिव है. सॉफ्ट ब्रिसल्स ही क्यों? सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द गम्स, टूथ इनेमल एंड रूट सर्फेसिस. देखिए दांत तो साफ करने ही है, है ना, लेकिन उसके साथ हमारे गम्स भी तो जुड़े हुए हैं ना. दांत के ऊपर क्या है? गम्स है, मसूड़े हैं, उसके साथ उसके नीचे हमारी रूट सर्फेसिस हैं. तो अगर ज़्यादा हार्ड ब्रिसल्स होगा तो हमारे गम्स को वो इंजर कर सकता है, हमारे गम्स को, हमारे मसूड़ों को वो चोट पहुंचा सकता है. इसलिए टूथब्रश के ब्रिसल्स हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए. ब्रिसल्स कम इन मैनी शेप्स, फ्लैट, रिपल्ड, डोम शेप. यू शुड चूज द वन दैट इज मोस्ट कम्फर्टेबल टू. जो शेप्स है ब्रिसल का वो आप चूज कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है. जो भी आपको कम्फर्टेबल हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए. हैंडल, ये आप इमेज में देखिए हैंडल, जहाँ से हम टूथब्रश को ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं. तो जो हैंडल है, अ गुड टूथब्रश शुड हैव हैंडल दैट इज लॉन्ग इनफ फॉर यू टू होल्ड इट कंफर्टेबली. हैंडल इतना लंबा होना चाहिए कि आप उसको इजीली ग्रिप कर सकें. बस इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. अब डीएक्सएन की बात करें तो डीएक्सएन में हमारे पास एक इसका बेहतरीन ऑप्शन है, डीएक्सएन बैम्बू टूथब्रश. मतलब हमारी ओरल कैविटी के साथ साथ डीएक्सएन बैम्बू टूथब्रश एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, टोटली इको फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखता है, टोटली बायोडिग्रेडेबल है. तो हम इसको स्विच करें, हम डीएक्सएन टूथब्रश की तरफ जाएँ. ये बायोडिग्रेडेबल है, केमिकल फ्री है, इको फ्रेंडली है, सॉफ्ट ब्रिसल्स है और बीपीए फ्री है, कोई केमिकल नहीं है इसमें. इसकी स्पेशलिटी क्या है? ब्रिसल्स आर मेड अप ऑफ कैस्टर सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट. जो इसके ब्रिसल्स हैं, जो ब्रश हैं, वो अरंडी का जो बीज होता है उसका जो ऑयल निकलता है उसके एक्सट्रैक्ट से बने. उस ऑयल को बार बार प्रोसेस किया जाता है, 2 से 3 बार उसको प्रोसेस किया जाता है. फिर उस ऑयल के ग्रेन्स, उसको दाने में लिया जाता है, जब उसके ग्रेन्स बन जाते हैं फिर उसको वापस प्रोसेस करके उसके फाइबर बनाया जाता है. तो ये अरंडी के बीज के तेल के एक्सट्रैक्ट के फाइबर्स हैं, ठीक है. तो ये टोटली इको फ्रेंडली. नेक्स्ट है, ब्रिसल्स आर इन्फ्यूज्ड विथ चारकोल विच कॉजेस टीथ वाइटनिंग. जो चारकोल है, कोलतार है, कोयला है, उसके उससे इन्फ्यूज हुए हैं ब्रिसल्स. और चारकोल हमेशा टूथ वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो हमारे ब्रिसल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली दे आर इन्फ्यूज विथ चारकोल. नेक्स्ट है, रेस्ट एंटायर बॉडी ऑफ टूथब्रश इज मेड अप ऑफ बैम्बू. बाकी जो भी इसकी बॉडी है वो बांस की बनी है. द बॉडी ऑफ टूथब्रश, एक और स्पेशलिटी हमारे डीएक्सएन टूथब्रश की, द बॉडी ऑफ द टूथब्रश इज कोटेड विद नीम ऑयल टू प्रिवेंट एनी फंगल इन्फेक्शन. जो बॉडी है टूथब्रश की वो कोटेड है नीम ऑयल से, जो कि फंगल इन्फेक्शन से भी बचाती है. नीम की क्वालिटीज हम सब जानते ही हैं, प्रिवेंट्स एनी टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल सब इन्फेक्शन को नीम प्रिवेंट करता है. तो ये जो बैम्बू का जो स्टिक है, जो हैंडल है, हेड है, नेक है, दे आर कोटेड विथ नीम ऑयल. तो ये बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी है हमारे बैम्बू टूथब्रश में. अब हम बात करते हैं अदर असेंशियल विटामिन्स फॉर गम्स एंड टीथ. तो यहाँ तक हमारा दो चीज़ों के बारे में जानकारी क्लियर हो गई, टूथ पेस्ट एंड टूथ ब्रश. तो टूथपेस्ट का चुनाव आप सोच समझ के कीजिए. जो इंग्रेडिएंट्स उसमें मैंने बताया कि नहीं होने चाहिए, प्लीज़ उनको चेक करिए कि ये चीज़ें उनमें नहीं हो. मार्केट में बहुत सी ऐसी कमर्शियल ब्रांड्स हैं जो पेशेंट्स मेरे पास भी लेकर आते हैं और मैं उनके इंग्रेडिएंट्स पीछे देखती हूँ, तो उनमें सारे के सारे केमिकल्स, खासकर कि सोडियम लॉरल सल्फेट, ये होता ही होता है.
तो प्लीज उसको आप जरूर चेक करिए। टूथब्रश का चुनाव करते हुए आपको ये सब ध्यान रखना है कि उसके ब्रिसल्स हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है। उसका हेड स्लीक स्लिम ट्रिम, उसका हेड जो है ऐसा शेप का होना चाहिए, पतला होना चाहिए, जो कि आपके ओरल कैविटी के मुंह में हर कोने तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं, अदर एसेंशियल विटामिन्स फॉर गम्स एंड टीथ। दूसरे कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई, टूथब्रश और टूथपेस्ट की बात तो हो गई कि ठीक है ये तो हमारे ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, लेकिन इसके बाद भी हम सिस्टमिक, हम जो अपने सिस्टम में बॉडी में अंदर देते हैं तो उसके लिए भी तो वो भी तो चीज़ें कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट करेगी हमारे ओरल हाइजीन को, हमारे दांतों की प्रॉपर हेल्थ को, हमारे मसूड़ों की प्रॉपर हेल्थ को। तो उसके लिए विटामिंस कौन कौन से ज़रूरी हैं गम्स और टीथ के लिए, वो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये मेजर विटामिंस कुछ मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जो कि ज़रूरी है हमारे ओरल हेल्थ के लिए। उसमें डीएक्सएन में हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है डीएक्सएन रोजल जूस। इसमें क्या क्या है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B1, B2, B3, आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए। तो ये तो ऑल इन वन सॉल्यूशन हो गया, मतलब ज़्यादातर जो भी हमें चाहिए बी कॉम्प्लेक्स को थोड़ा छोड़ के, जो भी हमें दांतों के लिए चाहिए, दांतों और मसूड़ों की ओवरऑल हेल्थ के लिए चाहिए, वो सब हमारे रोजल जूस में है। तो ये एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, एज अ डेंटिस्ट मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि हम अपने सारे पेशेंट्स को रोजेल ज़रूर देते हैं, टूथपेस्ट के साथ रोजेल हम ज़रूर उनको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। हाउ टू यूज़ रोजेल फॉर गुड ओरल हेल्थ, अगर आप इसको डेली बेसिस में यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपके गम्स में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे या तो खून आ रहा है या फिर बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, या फिर गम्स थोड़े से इन्फ्लेम्ड है, लाल हो रखे हैं, या दांत थोड़े आपके हिल रहे हैं, तो आप डीएक्सएन रोजेल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करें, टेक अ कप ऑफ ल्यूक वार्म वाटर एंड ऐड 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ रोजेल। एक कप लीजिए गुनगुने पानी का, उसमें 2 से 3 चम्मच आप रोजेल डाल दीजिए, मूव इट इन एंटायर माउथ फॉर 1 to 2 मिनट्स एंड देन स्वेप। इसको अपने पूरे मुंह में घुमाइए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना टाइम आप घुमा सकते हैं इसको थोड़ा सा घुमाइए, ताकि हमारे मुंह में अच्छी तरह थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद उसको आप निकल लीजिए, उसके बाद इसको स्वेलो कर लीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो 1 महीने में आपकी सॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं है तो फ्यूचर में भी आपको दांतों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मसूड़े आपके हेल्दी रहेंगे तो दांत आपके लंबे चलेंगे। ओरल हेल्थ से ही जुड़ा हमारा नेक्स्ट जो यूज आता है, कोकोनट ऑयल। यूज ऑफ कोकोनट ऑयल टू इंप्रूव ओरल हेल्थ। कोकोनट ऑयल इज बीइंग यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन टू क्लीन एंड वाइटन टीथ। दांतों को साफ करने के लिए और उनको चमकदार सफ़ेद बनाने के लिए कोकोनट ऑयल का यूज़ होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस बैड ब्रेथ, हेलिटोसिस भी ये कम करता है, और जो हमारे जो मसूड़ों की हेल्थ है, ओवरऑल जो उसकी हेल्थ है उसको भी ये अच्छा बनाए रखता है। इन आयुर्वेदा कोकोनट ऑयल इज बीन नोन फॉर इट्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। जो भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड माइक्रोब्स होते हैं, उसको ये मुंह से ख़त्म करता है। कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट लॉरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, जो कि गम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है टेक्निक नोन एज ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग से आप शायद ज़्यादातर लोग इस जो वर्ड है इससे आप लोग वाकिफ होंगे, आपने सुना होगा ऑयल पुलिंग। इट इज़ अ टेक्निक which is believed to free the mouth from bad bacteria which cause cavity and bad breath. Oil pulling technique में भी बहुत अच्छा रोल है कोकोनट ऑयल का। कई लोग ऑयल पुलिंग टेक्निक में होता क्या है कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं विदाउट ब्रशिंग और विदाउट एनी ड्रिंकिंग वाटर, यू जस्ट आपको क्या करना है, एक बड़ा चम्मच, एक या दो बड़ा चम्मच नारियल तेल का मुँह में लेके उसको आपको घुमाना है जितनी देर हो सकता है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उसको आप अपने मुंह में अच्छी तरह से पूरे मुंह में उसको घुमाते रहिए और फिर उसको स्पिट कर दीजिए, उसको थूक दीजिए।
ऑयल पुलिंग, जैसा कि वर्ड बताता है, पुल करता है, ये खींचता है, ये ऑयल जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, ना ही सिर्फ ओरल कैविटी से बल्कि डीप विद इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा गला है ना, जो हमारा थोड़ा सा गले का पार्ट है, थोड़ा नीचे खाने की जो नली है, वहाँ से भी सारे बैक्टीरियाज को ये पुल कर लेता है, खींच लेता है। और फिर जब इसको आप थूकते हैं इतनी देर मुँह में चलाने के बाद, तो ये एक एंटी माइक्रोबियल फ्लश, एक एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश का काम कर लेता है, सारे माइक्रोब्स थूकने में आपके निकल जाते हैं। ऑयल पुलिंग टेक्निक भी बहुत अच्छी है, ये भी आप कर सकते हैं इसके साथ। अदरवाइज आप सिर्फ कोकोनट ऑयल को 2 से 3 चम्मच लीजिए, उसको मुंह में घुमाइए और उसको पी जाइए। डेली रूटीन में आप ये कर सकते हैं। डीएक्सएन में हमारे पास है गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब ये सोने पे सुहागा है, हमारे पास सिर्फ कोकोनट ऑयल ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन है, और एक्स्ट्रा वर्जिन ही नहीं है, इसमें गैनोडर्मा है, तो सोने पे सुहागा, डबल सुहागा हो गया ये। इसमें गैनोडर्मा भी है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन भी है, कोकोनट ऑयल भी है, तो डीएक्सएन में ये बेहतरीन ऑप्शन है हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का। इसका आप डेली 2 चम्मच मुंह में रखिए, इसको आराम से घुमाइए 1 से 2 मिनट और फिर इसको पी जाइए। आपके गम्स और टीथ चमकदार और एकदम शाइनी जिसको बोलते हैं ना, चमकदार हो जाएंगे दांत, और मसूड़ों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, ओरल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल आता है माइक्रो एल्गी स्पायरलिना। स्पायरलिना का भी बहुत अच्छा रोल है हमारे ओरल हेल्थ में। स्पायरलिना इज रिच इन विटामिन्स, इसमें विटामिन ए है, B1 है, B2, B3, B6, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब कुछ स्पायरलिना में पाया जाता है। स्पायरलिना हेल्प प्रिवेंट ओरल कैंसर, ये मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि करीब 10 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने खुद ट्रीट किया है स्पायरलिना और रोजेल की मदद से। वो स्टार्टिंग कंडीशन थी उनके कैंसर की OSMF, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि एक प्री कैंसरस लीजन होता है, यानी कैंसर से जस्ट पहले की ये स्टेज होती है। उसमें क्या होता है, जो लोग ज़्यादा सुपारी, तम्बाकू, पान, सिगरेट वगैरह ये सब लेते हैं, तो धीरे धीरे उनकी मुंह की जो ओपनिंग है, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, इनकी जो माउथ ओपनिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो गाल है दोनों तरफ मुंह के अंदर गाल की तरफ ऐसे वाइट पैचेस हो जाते हैं। तो ये कैंसर से पहले की कंडीशन है, जस्ट पहले की, जिसको हम बोलते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो इसमें स्पायरलिना का बेहतरीन रिजल्ट है, इसमें जो एज अ मल्टी विटामिन अगर आप इसको किसी को देते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में अच्छी मल्टी विटामिन सोर्स की ज़रूरत होती है, तो स्पायरलिना हमारे पास एज अ नेचुरल ऑर्गेनिक मल्टी विटामिन चीज़ है। ये अगर आप पेशेंट को देते हैं या आप खुद यूज़ करते हैं, तो आपकी जो भी अंदर कोई भी समस्या है, जैसे या तो अगर आप कोई ज़्यादा सुपारी खाते हैं या कोई तम्बाकू वगैरह जो लोग लेते हैं, तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि उसको धीरे धीरे आपको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो लोग इसको लगातार ले रहे हैं, तो उनको स्पायरलिना का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मल्टीविटामिन सोर्स है। नेक्स्ट, स्पायरलिना क्या करता है, प्रिवेंट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। जो हमारे मसूड़े हैं, इनके इन्फ्लेमेशन को, मसूड़ा जैसे सूज जाता है, कहीं लाल हो जाता है, कहीं उनमें से खून आ रहा है, तो उसमें भी आप जो बाकी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पेस्ट, रोजेल, कोकोनट ऑयल के साथ साथ, ये सब तो आप देंगे उनको लोकली एप्लीकेशन के लिए, वो लोकली उसको घुमाएंगे थोड़ी देर और फिर उसको स्वेलो करेंगे। और स्पायरलिना आप उनको डाइट में दे सकते हैं, एज अ डाइट थेरेपी आप उनको स्पायरलिना रिकमेंड कर सकते हैं, तो जो भी उनके गम्स की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अल्सर्स, जो मुंह के छाले हो जाते हैं, कईयों के ऐसे छाले होते हैं जो कभी भरते ही नहीं है, नासूर से बन जाते हैं, कि पेशेंट्स कहते हैं कि हमने ये स्टेरॉइड्स ली उसके बाद से हमारे छाले हो रहे हैं और वो लगातार चल रहे हैं 4-5 सालों से, उस केस में हम उनको स्पायरलिना देते हैं रोजेल, तो इसका वंडरफुल रिजल्ट आता है तुरंत, 2-3 से 4 महीनों में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। स्पायरलिना इंक्रीजेस सलाइवरी फ्लो, जो हमारे सलाइवा का फ्लो है उसको बढ़ाता है,
इट हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, स्पायरलिना में भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। तो स्पायरलिना भी डीएक्सएन में हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आप डेली बेसिस पे आप लोगों को कंज्यूम करना चाहिए फॉर बेटर ओरल हेल्थ, ओरल हेल्थ के बेटरमेंट के लिए स्पायरलिना भी आप डेली कंज्यूम करिए। ओके, तो ये मेरे आज के प्रेजेंटेशन के लिए था, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू उत्तम जी। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा भी हमारे डीएक्सएन में जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे दे आर फोकस्ड, वो फोकस्ड है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो जो मैंने जो प्रोडक्ट्स बताए, ये तो स्पेसिफिकली आप लोग अपने ओरल हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे यूज करिए। इसके अलावा जो हमारे बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मेनली गैनोडर्मा हमारा डला है, तो वो भी बेहतरीन है क्योंकि हमारा सिस्टम सही करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खाली मुंह ही नहीं है, मुंह से लेके ठीक हमारे जो मल मूत्र द्वार है, वो पूरा एक चैनल है, वो पूरी एक पाइपलाइन है। तो कई बार क्या होता है, जब हमारा मुंह इन्फेक्टेड है, अगर हमारा मुंह सही नहीं है, तो उसके जो माइक्रोब्स होते हैं वो डाइजेशन को भी इफेक्ट कर जाते हैं, हमारे हार्ट को भी इफेक्ट करते हैं, लंग्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है। ओरल हेल्थ सही नहीं है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होएगा, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो आपकी ओरल हेल्थ भी पुअर होगी। तो हमें दोनों को ठीक रखना है, और डीएक्सएन में सारे प्रोडक्ट्स हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए फोकस करते हैं। थैंक यू जी।